योर ऑनर, अदालत ने गुज़िश्ता पेशी में मेरे मौकिल सालार को 10 दिन का रिमांड ग्रांट किया था। इन 10 दिनों में मिस वदीमा या इन जैसी किसी दूसरी लड़की का सालार से कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही इन्वेस्टिगेशन में कोई पेशरफ्त हुई। मिस वदीमा के वालिद ने अपनी बेटी के अगवा का केस, जिसमें उन्होंने सालार को नामजद किया था, वो भी वापस ले लिया है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि मेरे मौकिल को जमानत दी जाए। मैं अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जब भी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये इसमें शामिल होंगे। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस वदीमा के वालिद कहाँ हैं? यही कमरे अदालत में मौजूद हैं। उन्हें कटहरे में बुलाया जाए प्लीज सर। आपने केस अपनी मर्जी से वापस लिया है? जी हाँ। क्या आप पे कोई प्रेशर है? जी नहीं, मुझे यकीन है कि सालार ने अपनी बीवी को अगवा नहीं किया। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मुझे बुरा लगा, गुस्सा आया और मैं इंतकाम भी लेना चाहता। फिर अचानक से वदीमा अगवा हो गई। जब से मेरी बेटी अगवा हुई है, वो लोग जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं सालार पर केस करूं, एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। ये लड़का कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। अदालत सालार की जमानत 5 लाख मचलकों के एवज मंजूर करती है और सालार को यह ताकीद करती है कि जब भी इदारे उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाएंगे, वो हाजिर होंगे। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू अंकल। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपकी बेटी को वापस, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं। बस वदीमा को वापस ले आओ, मेरा वादा है आपसे। मैं नामगो से वापस, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बेटा, मछले के मैं जमा करा दूं? नहीं अब्बा, वो समीर बैंक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलोगे?
नहीं अब्बा, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो उस घर से बेदखल किया जा चुका हूँ। बेटा, घर से बेदखल हुए हो, दिल से तो नहीं हो? तुम्हारी माँ ने अपने हाथ से बना के तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तोड़ने वाले मेरे हाथ से खा।